हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लीवेज, जिसको सेगमेंटेशन भी बोला जाता है। ये इम्यूनोलॉजी MSc 3rd सेमेस्टर के यूनिट 4 का टॉपिक है। तो साइनोप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनोप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, कंक्लूजन, रिफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्लीवेज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है सेगमेंटेशन। जब किसी सिंगल सेल एग में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो में कन्वर्जन हो जाता है, तो इसे क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज एक मैकेनिकल एक्टिविटी की प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल एग में जब मैकेनिकल एक्टिविटी होती है तो सिंगल सेल का कन्वर्जन मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो में हो जाता है, एंड इस होल प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज की प्रोसेस में माइटोटिक सेल डिवीजन रिपीट होती है एंड मल्टी सेलुलर सेल का फॉर्मेशन होता है, तथा सेल में लगातार डिवीजन की प्रोसेस होने से रिजल्ट ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है। एंड ब्लास्टोमियर में जब लेटर डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी तो सेवरल टाइप ऑफ बॉडी सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड ब्लास्टोमियर मैनी स्टेजेस से गुजरते हुए, जैसे कि मरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला एक्सेट्रा से एक कंप्लीट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। क्लीवेज एक मैकेनिकल एक्टिविटी की प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल एग का मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो में कन्वर्जन हो जाता है, इस होल प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। ये थर्ड है डिस्कवरी ऑफ क्लीवेज। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्वामर डैम ने 1738 में फर्स्टली फ्रॉग के एग में क्लीवेज की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया था। बाद में साइंटिस्ट प्रिवोस्ट ड्यूमास ने 1824 में फ्रॉग में क्लीवेज की ऑल प्रोसेस का कंप्लीट स्टडी किया, एंड इस स्टडी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू किया, एंड इसके अतिरिक्त माइक्रोस्कोप के थ्रू सर्चिन के एग, स्टारफिश, एम्फीऑक्सिस एंड हैंस, इन सभी में एग में क्लीवेज की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। एंड फाइनली इन सब के स्टडी से एक समरी प्राप्त हुआ कि क्लीवेज की प्रोसेस हमेशा माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है, एंड माइटोटिक डिवीजन एक रैपिड डिवीजन फॉर्म में होता है। उन्होंने बताया कि सर्चिन के एग में एवरी 30 मिनट में ब्लास्टोमियर स्टेज को ऑब्जर्व किया जाता है, तथा क्लीवेज की प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ती है ब्लास्टोमियर रेड्यूस हो जाता है एंड ग्रोथ की प्रोसेस रुक जाती है, जिससे एम्ब्रायो का वॉल्यूम सेम बना रहता है। इसका समरी देखेंगे। जब जायगोटिक सेल में क्लीवेज होता है तो मास ऑफ ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है, एंड ब्लास्टोमियर से मरूला का तथा मरूला का ट्रांसफ़र ब्लास्टूला में हो जाता है। ब्लास्टूला के वॉल को ब्लास्टोडर्मा एंड कैविटी को ब्लास्टोसोल कहते हैं। देन ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला का निर्माण होता है। फोर्थ देखेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज की प्रोसेस जब भी होती है तो मोर ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस होते हैं। देन इन ब्लास्टोमियर का स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। देयर आर 3 पैटर्न ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के 3 पैटर्न होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फैरो। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ जर्म लेयर। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फैरो। होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज और
मैरोब्लास्टिक और क्लीवेज और डिस्कॉइडल क्लीवेज, और इसी को बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। पहला देखेंगे हम लोग होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। इस प्रकार का क्लीवेज माइक्रोलिथियल एग में पाया जाता है तथा इसमें क्लीवेज फेरोमाइक्रोलिथियल एग के पूरे लेंथ में एक्सटेंड रहता है एंड इस प्रकार से ब्लास्टोमियर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तथा इसमें ब्लास्टोमियर इक्वलिटी शो करता है, इसलिए इसे होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज कहते हैं। यहाँ पे स्पर्म एग जब फर्टिलाइज होते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो ये फ्रॉग जायगोट का जो डायग्राम है छोटा सा, तो इसको बनाएंगे आप लोग। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि जो जायगोट होता है वो 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4 सेल में, फिर 8 सेल में, फिर 16 सेल में, फिर 32 सेल में, फिर 64 सेल में, फिर 1000 सेल में, फिर 30,000 में, फिर 30,000 से 1,70,000 सेल में ये लास्ट में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज का डायग्राम है। फिर देखेंगे होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। किसी भी एम्ब्रायो में 2 पोल पाए जाते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। इस टाइप के क्लीवेज में एग का योक वेजिटल टू एनिमल एक्सिस तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, इट मीन्स दोनों पोल तक फैला रहता है। बट एनिमल पोल में योक की क्वांटिटी हाई एंड वेजिटल पोल में योक की क्वांटिटी लेस होती है कंपेरिजन टू एनिमल पोल। अब थर्ड देखेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और डिस्कॉइडल क्लीवेज। इस टाइप का क्लीवेज मेगालेथियल एंड टीलोलेथिकल एग में पाया जाता है। ये ऐसे एग हैं जिनमें योक की अमाउंट हाई होती है एंड यह एग बर्ड रेप्टाइल एंड बोनी फिशेस में पाया जाता है। सम इलास्मो ब्रांचेस फिशेस में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है तथा मोनोट्रिन्स में भी इस टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। मेगालेथिकल एंड टीलोलेथिकल एग में एनोरेमस अमाउंट में योक प्रेजेंट होता है तथा इस टाइप के एग का एक्टिव पर्सन स्मॉल साइटोप्लाज्मिक रीजन पर पाया जाता है एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक रीजन एनिमल पोल के अंतर्गत है। चूँकि यह स्मॉल साइटोप्लाज्मिक रीजन है एंड एनिमल पोल में आता है, इसलिए इसे जर्मिनल डिस्क और ब्लास्टो डिस्क कहा जाता है। जर्मिनल और ब्लास्टो डिस्क में क्लीवेज के दौरान फेरो का फॉर्मेशन नहीं होता है तथा योग में कभी भी क्लीवेज की प्रोसेस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स रेप्टाइल बोनी फिशेस और इलास्मो ब्रांचेस। फिर है सुपरफिशियल क्लीवेज। इस प्रकार का क्लीवेज सेंट्रो लैकिथल एग में पाया जाता है एवं क्लीवेज में डिवीजन की प्रोसेस एग के सरफेस लेयर से स्टार्ट होगा। जब भी क्लीवेज होगा तो फेरो कभी भी सेंट्रल पार्ट तक एक्सटेंड नहीं होता है। सेंट्रोलेथिकल एग में न्यूक्लियस जायगोट के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इस न्यूक्लियस में रैपिडली डिवीजन की प्रोसेस होती है जिससे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा तथा यह न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म से इम्बेंडेड होते हैं। देन इसमें क्लीवेज के कारण फ्रो का फॉर्मेशन होता है जिससे साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है एंड साइटोप्लाज्म के इनर साइड में सेपरेशन की प्रोसेस होती है एंड लार्ज नंबर ऑफ सेल सेंट्रल योक के अराउंड थे वे पोल की ओर चले जाते हैं। डायग्राम ऐड कीजिएगा।
फिर सेकेंड देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हेट जर्म लेयर, इसमें पहला देखेंगे इंटर डिटर्मिनेट क्लीवेज और सेकेंड देखेंगे डिटर्मिनेट क्लीवेज। इंटर डिटर्मिनेट क्लीवेज में देखते हैं फैट का ब्लास्टोमियर रिजिडली सेलेक्ट नहीं पाया जाता है बल्कि इसके ब्लास्टोमियर में प्लास्टिसिटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल किसी जायगोट में टू ब्लास्टोमियर हैं, जब यह सेपरेट होगा तब फर्स्ट क्लीवेज में ओनली वन कंप्लीट एम्ब्रायो प्रोड्यूस होगा। जब इस टाइप का क्लीवेज होता है तो उसे इंटर डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं तथा इस प्रकार के क्लीवेज में फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोमियर को पहले से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे इंटर डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। इस टाइप के क्लीवेज वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, इसमें ह्यूमन भी इंक्लूडिंग है। सेकेंड देखेंगे डिटर्मिनेट क्लीवेज, सम एनिमल इंक्लूडिंग एस्केरिस का ब्लास्टोमियर प्री डिटर्मिनेटेड होता है। ब्लास्टोमियर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिक पार्ट से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा एंड इस टाइप के क्लीवेज को डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस का एग। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल क्लीवेज, यह एक सक्सेसिव क्लीवेज है। इसमें फ्यूरो का फॉर्मेशन एग के राइट एंगल में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होता है जिसे ब्लास्टोमियर रेडियली अरेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है साइनेप्टा का एग, इसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहा जाता है। सेकेंड है स्पायरल क्लीवेज, स्पायरल क्लीवेज रेडियल क्लीवेज का मॉडिफाइड रूप है। इस टाइप का क्लीवेज एनिलिड्स एंड मोलस्का में पाया जाता है। इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस जब होती है तो सेल ऑब्लिक्यू एंगल में डिवाइड होते हैं एंड डिवीजन के इस पीले पैटर्न को स्पायरल क्लीवेज कहते हैं। फिफ्थ देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज का मेन फंक्शन है कि वह एक यूनिसेलुलर है, जायगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो में कंडक्ट कर देता है। क्लीवेज के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ सेल और ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है जो होल बॉडी को म्यूट करते हैं। जब क्लीवेज की प्रोसेस होती है तो ब्लास्टोमियर में माइटोसिस डिवीजन होता है। क्लीवेज ब्लास्टोमियर एंड साइटोप्लाज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब सिक्स में देखेंगे कंक्लूजन, ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि क्लीवेज का मीन्स होता है सेगमेंटेशन। क्लीवेज एक मैकेनिकल एक्टिविटी की प्रोसेस है जिसमें सिंगल एग में जब मैकेनिकल एक्टिविटी होती है तो सिंगल सेल का कन्वर्जन मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो में हो जाता है एंड इस होल प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। और रेफरेंस है इसमें बाईनेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।